हाथ उठाकर हमारे यहाँ ऐसा है, समर्पण का प्रतीक है दोनों हाथ उठाकर। तो जब धर्म की घोष करें, जय घोष करें, तो दोनों हाथ उठाकर धर्म के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव रखकर घोष करें। बोलो सत्य सनातन धर्म की, आवाज कम थी, बोलो सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की, सच्चिदानंद भगवान की। नववर्ष की इस संध्या पर इस धर्म सभा की अध्यक्षता कर रहे माननीय राव साहब नरदेव सिंह जी सोलंकी, जिन्होंने आतंक के दंश को अपने जीवन में झेला है, हमने तो केवल सुना ही है, जिन्होंने अपने जीवन में उसको झेला है, आतंक के दंश को, उस धर्मांधता को जिसने झेला है, ऐसी सुरुषी देविका जी, और जिन्होंने काव्य पाठ करा नेहा वैष्णव, उस कवि को भी धन्यवाद है, बहुत सुंदर भाव उन्होंने कविता में रखे, और उससे भी अधिक धन्यवाद सुश्री नेहा जी को है, जिन्होंने वो भाव हमारे सामने अपने स्वरों के रूप में यहाँ रखे, उनको भी आत्मिक धन्यवाद है। वास्तव में ये जो धारा है, इसका आविर्भाव ही संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए हुआ। इस भारत भूमि का जन्म जो है, भगवान को इस सृष्टि के कल्याण के लिए, अपने जन्म के लिए एक स्थान की आवश्यकता थी, तो उन्होंने अपने इस राष्ट्र को स्वयं, वैसे तो पूरी धराधामी परमात्मा के द्वारा विरचित है, लेकिन विशेष अपने अवतरण के लिए जिस धरती का चयन स्वयं परमात्मा ने किया, वो अपनी ये भारत भूमि है। और उसके पश्चात मानव ने किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए, उस प्रकार का संविधान लागू करने के लिए भी इस धरा को चुना। वो मानव धर्म का संविधान, वो सत्य सनातन धर्म कहलाया। उसी धर्म के आधार पर मानव जीवन कल्याणमय हो सकता है, सुख सुविधा पूर्ण हो सकता है, और अपने अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। वो संविधान परमात्मा ने अपनी इस धरती पे ही लागू किया, उसी को सत्य सनातन धर्म कहते हैं। ईश्वर के संविधान की रक्षा के लिए समय समय पर अनेक सारे महापुरुषों ने अपने प्राणों की आहुति दी, जिस प्रकार वर्तमान समय में भारत का जो संविधान है, जिसके कारण ये राष्ट्र संप्रभु है, अखंड है, उसकी रक्षा के लिए आज अपने सैनिक पुलवामा से लेकर जब से राष्ट्र अंग्रेजों की अधीनता से स्वतंत्र हुआ, तब से बलिदान देते आ रहे हैं। इससे पूर्व भी जब से सत्य सनातन धर्म का आविर्भाव इसमें हुआ है, तब से हमारे पूर्वज इस धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देते आ रहे हैं। इसलिए संत महात्मा शास्त्र कहता है, धर्म ही इस राष्ट्र का प्राण है, यदि धर्म नहीं है तो ये राष्ट्र नहीं बच सकता, क्योंकि परमात्मा ने भारत की रचना ही धर्म की रक्षा के लिए की है। इसलिए समय समय पर इस धर्म को नष्ट करने के लिए आतंकियों का आक्रमण इस धरा पर होता आया है। कोई 800 साल तक धर्मांध इस्लाम की ताकत ने इस धरती पे मानव मात्र के कल्याणकारी जो विचार था सनातन, उसको समाप्त करने का प्रयत्न किया। 200 वर्षों तक ईसाइयत ने इस धरती को नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयत्न किया। 1000 वर्ष तक मेरे को आपके सम्मुख से चरणों में रखते हुए अपने आप में इतना गर्व होता है, हम सभी उन बलिदानी पूर्वजों की संतान है जिसने 1000 वर्ष तक अपने धर्म के लिए संघर्ष करते हुए आज भी इस धराधाम पर जीवित है। विश्व की समस्त संस्कृतियां मिट गई, रोम मिट गया, अपनी सभ्यता का दंभ
गया। आज पारसी भारत की शरण में, पारसियों का इस प्रकार का जीवन है, जिस प्रकार टाइगर के संरक्षण के लिए कोई सरिस्का का अभयारण्य है, ऐसे पारसियों के संरक्षण के लिए हमारे यहाँ विशेष प्रकार का प्रोजेक्ट है। उनकी जनसंख्या बढ़े इसलिए सरकार उनको पुरस्कार देती, बाकी को तो मना करती कि तुम जनसंख्या मत बढ़ाओ, लेकिन पारसियों को जनसंख्या बढ़ाने का प्रोत्साहन देती है। एक ऐसी उन्नत संस्कृति पारसियों की जो पूरे विश्व पर राज करती थी, जिसको इस्लाम ने जमींदोज कर दिया, लेकिन हम उन धर्मांध ताकतों से मुकाबला करने के पश्चात भी आज तक अपने सत्य सनातन संस्कृति के प्रहरी भरते हुए इस भगवा ध्वज को नील गगन में फहरा रहे, केवल मात्र धर्म के लिए ही। इसलिए उन सारी ताकतों ने यदि भारत को समाप्त करना तो धर्म को समाप्त करो। जो जो भी वो घटनाएं, स्मृतियां, तीज त्योहार जो इस हिंदू समाज में आत्मगौरव का भाव उत्पन्न करती है, उसको समाप्त किया जाए। इसलिए उनके प्रति गलत प्रकार की धारणा, जनमानस में अपनी ही संस्कृति के प्रति अलगाव की भावना, अपनी ही संस्कृति के प्रति निकृष्ट भावना, इस प्रकार का धीरे 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 वितंडा प्रारंभ किया। उसी का सबसे बड़ा उदाहरण है आज का ये नव वर्ष, जिसको संवत्सर कहा है, हिंदू नववर्ष के रूप में भी हम सब जानते हैं। क्योंकि ईसाइयों को लगता था यदि सर्वाधिक बुद्धिमान कोई है तो हम ही हैं, बाकी तो सब पागल है, मूर्ख हैं। इस धरती की सबसे श्रेष्ठ कौम है तो अंग्रेज है, बाकी कोई नहीं। लेकिन भारत में जब वो आए तो उनको ध्यान आया कि जब हम अपने शरीर पर नीला कलर पोत कर घूमते थे, ऐसा मानते थे वस्त्र पहने, तब यहां पर बालक बालिकाएं वेदों की ऋचाओं का पाठ करते थे, भारत तो हमारे से लाखों गुना ज्यादा है। अंग्रेज पहली बार जब आए तो बड़े विस्मय के साथ वो कपास के पौधे को देखने लगे और वापस अपने घर वालों को पत्र लिखा कि हमारे यहां तो ऊन भेड़ों पे लगती है, भारत में तो पौधे पर लगती है। मेरी बात समझ में आई? मतलब कितना अपने आप में मूर्खपन है, कपास को कपास नहीं ऊन कहा और अपने घर वालों को लिखा कि भेड़ पे, अपने वहां तो भेड़ पे लगती है, यहां भारत में तो पौधे के ऊपर लगती है। ऐसे निकृष्ट बुद्धिहीन लोगों ने हमारी परंपराओं को नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयत्न किया। ईसवी संवत आइए 2019 चल रहा है, लेकिन उनके बाप दादा पैदा नहीं हुए। उससे पूर्व सम्राट विक्रमादित्य ने शकों को मारकर भारत भूमि पर पुनः भगवा ध्वज की स्थापना की, उसी की याद में विक्रमी संवत हुआ, जो ईसा मसीह के 57 साल पहले कर दिया उन्होंने। ये 2076वां संवत्सर है हमारा, ये केवल विक्रम की उस विजय की याद दिलाता है। यही नहीं, आज से 5121 वर्ष पूर्व, जब तक ईसाइयों का इस्लाम का बीज तक नहीं था, 5121 वर्ष पूर्व अधर्मी कौरवों का सर्वनाश करकर भगवान श्री कृष्ण के नेतृत्व में पांडवों ने धर्म की विजय की, युधिष्ठिर को वापस राज संभालाया, धर्म की ध्वजा फहराई। 5121 वर्ष पूर्व युगाब्द जो चल रहा है, तभी से ये भी आज के दिन का ही प्रतिनिधित्व करता है, यानी 5121 वर्ष पूर्व तक का लिखित इतिहास हमारे पास है। इसको भी मिटाने के लिए अंग्रेजों ने धूर्तता की। ऐसे अनेक सारे प्रसंग है, अनेक सारे। आज ही के दिन आतंताई रावण को समाप्त कर भगवती सीता को वापस अपनी गरिमा पे स्थापित कर भगवान श्री राम ने आज ही के दिन राम राज्य की स्थापना की 17 लाख साल पहले। वो तो भी 2019 में ही जी रहे हैं, मोहम्मद के पुत्र तो 1437 में जी रहे हैं।
हमें अपने आप में गर्व होना चाहिए। हम वो संतति हैं जो आज 17 लाख साल पुरानी अपने इस संस्कृति को जी रहे हैं। हमें अपने आप में गर्व होना चाहिए। लेकिन मेकाले की शिक्षा पद्धति ने किस प्रकार की भ्रष्टता हमारे लाई है कि अभी तक केवल मात्र जो विदेशी का वही सत्य है। अभी थोड़े दिन पहले कल ही एक अखबार में आया, मतलब कितनी सोच की नीचे है। कल का उदाहरण है, अमेरिका ने वहां के एक रिपोर्ट दिए कि भारत ने जो पुलवामा आतंकवादी हमले के पश्चात जो अपना अभिनंदन गया था, उसने उनका F-16 विमान मार गिराया। एक महीने बाद में इस विश्व की सुपीरियर शक्ति को पता चला, एक भी विमान नहीं मारा। केवल 54 विमान गिनने के लिए अमेरिका को, जो अपने आप में अत्याधुनिक सैटेलाइट से लेस देश है, जो नीचे खड़े आदमी के घड़ी में कितना टाइम हो रहा है उसके सैटेलाइट ये पहचान कर लेते कि कितना समय बचा है, उस अमेरिका को 27 फरवरी के बाद में कल पता चला एक भी विमान नहीं मरा। यानी भारतीय ये जो गौरव है वो नहीं बढ़ पाए। हमारा एक छोटा सा विमान MiG-20 ने F-16 को मार दिया, ये इस प्रकार का है। एक छोटे से बकरे ने हाथी को उड़ा दिया, इस प्रकार का है। लेकिन अमेरिका को लगता है कि नहीं, ये भारत नहीं करना चाहिए। ये यदि भारत की जनता में और ज्यादा विकसित हुआ तो इस देश का गौरव और बढ़ेगा। इसलिए आज तक उस प्रकार की मानसिकता वाले लोग भारत के यश वैभव गौरव को मानने पे स्वीकार करने में नहीं। थोड़े दिन पूर्व हमारे पराक्रमी और यशस्वी वैज्ञानिकों ने एक सैटेलाइट यहीं से उड़ा दिया। कितनी धूर्तता, मैं सारे धूर्तता के उदाहरण दे रहा हूं, कितनी धूर्तता इन ईसाइयों की। उन्होंने कहा इतना बड़ा कर दिया जी, इतना सारा अंतरिक्ष में कचरा होगा उसका कौन जवाबदार होगा। लेकिन ध्यान करने योग्य बात है, जिस टेस्ट को हमारे वैज्ञानिकों ने एक बार में सफल किया था, उस टेस्ट को अमेरिका ने 16 बार में सफल किया। 15 बार नाकाम होते रहे, उसके पश्चात 16वीं बार में उसको सफल किया। उसका कितना कचरा होगा उसका ध्यान नहीं, उसके ध्यान नहीं। हजारों उपग्रह उसने छोड़े अपने पृथ्वी की कक्षा में, उसको हर वर्ष नष्ट करता, उसके कचरे का ध्यान नहीं है। अब इसमें मजेदार और देखो, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, हमारे यहीं के जो अपने आप को बहुत बड़ा राष्ट्रभक्त मानते हैं, वो अमेरिका के स्वर में स्वर मिलाते हैं और हमारी ही सेना से सबूत मांगते हैं। कितनी बड़ी अपने आप में दृष्टता है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति को यह समझ में आता है कि यह देश के विरोध है, लेकिन केवल मात्र अपने आकाओं को खुश करना है, इसलिए अपने ही बाप के होने का सबूत मांगते हैं कि मेरा बाप यही है। ये मानसिकता कितने तक घर कर गई होगी, ये कितने तक घर कर गई होगी। इसलिए जो भी यशस्वी भारत का है, जो भी यशस्वी है, गौरवपूर्ण है, उस सबको नकारते आए हैं। आज का ये दिन उसी का स्मरण करने का है। आज का ये संवत्सर का वर्ष प्रतिपदा का दिन अपने उस गौरवशाली इतिहास को स्मरण करने का है। आज का आधुनिक विज्ञान जो नहीं कर पाया हमारे बाप दादाओं ने, वो उस समय जब कोई सैटेलाइट नहीं था तब तक हमारे यहां वराह मिहिर ने चांद और पृथ्वी की दूरी बराबर मेजरमेंट करके बताई। आज तो बहुत सारे सैटेलाइट है। समय की सबसे छोटी मापक इकाई जिसको त्रुटि कहते हैं, 1 सेकंड का 22,000वां हिस्सा, कल्पना कीजिए आप। अभी अपन जो घड़ी है उसके अंदर सबसे छोटी इकाई समय को नापने की वो सेकंड। कल्पना करो त्रुटि का ज्ञान हमारे मनुष्यों को था, जिस त्रुटि के यदि समय की निकाला जाए उसकी अवधि को, तो 1 सेकंड का 22,000वां हिस्सा तक हमारे पूर्वजों को याद था। उसी के आधार पर गणना करते हैं। आप और हम सब सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं, हमारे यहां जो फेरे होते हैं, मुहूर्त निकाला जाता है,
पंचांग देखकर, उस पंचांग की कितनी महिमा है। एक अंग्रेज विद्वान बहुत साल पहले कुंभ के मेले में आया, कुंभ के मेले को देखकर उसको लगा इतने करोड़ों लोग आते हैं तो प्रचार प्रसार में बहुत सारा पैसा खर्च होता होगा, माइक लगाने पड़ते होंगे गांव गांव में, तब सारे इतने लोग इकट्ठे आते हैं। तो उसने पूछा एक संत से, कह जी महाराज इतना बड़ा कुंभ का आयोजन करते हो आप, तो इसके प्रचार प्रसार में खूब पैसा खर्च होता होगा, क्योंकि हमारे वहां तो विदेश में इतना कोई कार्यक्रम का आयोजन करना हो तो पहले ही माइक लगाना पड़ता है, पोस्टर छपाने पड़ते हैं, गांव गांव में शहर शहर में दौड़ाना पड़ता है आदमी को, तब लोग आते हैं। तो आपके यहाँ करोड़ों लोगों को इकट्ठा करने के लिए बहुत खर्चा आता होगा। तो जो संत थे उन्होंने कहा खर्चा कितना आता मैं बताता हूं। उन्होंने पंचांग खोला, पंचांग खोलकर एक तिथि के ऊपर उंगली रखी कि जब ये संक्रांति होती है, मकर की संक्रांति होती है या सिंह की संक्रांति होती, चंद्रमा के अंदर आता है, इसका जितना प्रिंट का खर्चा आता है। अब आप कल्पना कर लो एक पंचांग पूरा जिसकी कीमत अभी शायद 50 रुपए होगी, उसमें 50 पृष्ठ होंगे, 50 पृष्ठ में से लगभग 1000 शब्द एक पर होंगे, उस एक पृष्ठ में इतना सा खर्चा आता होगा। भाई इस समय कुंभ प्रारंभ होगा, इतनी सूचना आती है कि आपने यहाँ लेटर वेटर आता है क्यों भाजी, आपके घर कोई लेटर आया क्या कुंभ, किसी के नहीं आया आज तक। केवल मात्र उतना पढ़कर लाखों के करोड़ों के तादाद में हिंदू समाज वहां पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे मनीषियों ने इतना प्रकार का व्यवस्थित चिंतन किया। अमेरिका को आज भी पता नहीं है कि अगला सूर्य ग्रहण कब होगा, हमारे यहाँ 100 वर्ष तक का कैलेंडर है, वो निश्चित तिथि बताएगा इतने समय से चंद्र ग्रहण प्रारंभ होगा, इतने पर समाप्त होगा। तो जो पंचांग बांधने वाले पंडित जी हैं वो क्या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़कर आए हैं क्या, वो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़कर नहीं आए, लेकिन वो ना पंचांग देख के बता देते हैं इतने साल बाद में ये आएगा। ये हमारे यहां की अपना अपना गौरव है। इन सबको नष्ट भ्रष्ट करने के लिए अपने गौरव का स्मृति जो जो दिलाता है उसको सबको समाप्त करना। केवल मात्र यही नहीं, समय की छोटी इकाई हमारे मनुष्यों ने इससे भी बड़ा समय को मापने का और कितना हो सकता है। छोटी से छोटी इकाई त्रुटि और बड़ी से बड़ी इकाई कल्प, चारों युगों को मानकर एक कल्प बनाया, 4,32,000 साल का कलयुग, कलयुग से डबल द्वापर, द्वापर से डबल त्रेता, त्रेता से 4 गुना सतयुग, इन सबको मिलाने पर लगभग कोई 17,00,000 साल का इतना कोई समय आता है, उसको मिलाकर एक कल्प होता है। अब उसको हमारे शास्त्र में कहा जब एक कल्प होता है तो ब्रह्मा जी अपनी पलक झपकते हैं। जब ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है, एक महीना पूरा होता है, तब महाविष्णु का एक पल पूरा होता है। जब महाविष्णु का एक महीना पूरा होता है तो महाकाल अपनी एक पलक झपकता है। अब आप कल्पना करो, गणित लगाओ, महाकाल का एक वर्ष कितने का होगा, इतनी तक की कल्पना, इतना तक का गणित हमारे शास्त्रों में दिया है। लेकिन निकाले की शिक्षा पद्धति ने इस प्रकार हमारे बुद्धि को जकड़ लिया है, हमें हमारी बात पर विश्वास नहीं है, हमारी बात पर विश्वास। एपीजे अब्दुल कलाम, उनसे मिलने के लिए हमारे यहाँ के वैज्ञानिक गए जब वो जीवित थे, उनके पृष्ठ भाग में अपने पृथ्वी के सैटेलाइट से लिया बहुत सुंदर चित्र था। तो वैज्ञानिकों ने पूछा क्या सुंदर चित्र है, तो वो जर्मनी की एक कंपनी में छापा था, उसके ऊपर जर्मनी की कंपनी का नाम लिखा हुआ था। उन वैज्ञानिकों ने एपीजे अब्दुल कलाम को कहा कि ये तो सारा जो है विदेशी कर सकते हैं, अपने पास क्या है। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने उनको और नजदीक बुलाया और उस चित्र को नीचे लगाकर, नीचे उतार कर दिखाया। उस चित्र के सबसे नीचे है सौजन्य इसरो। अब आप पता है इसरो क्या है, हमारी स्पेस एजेंसी, उसका नाम है इसरो। तो हम जर्मनी की कंपनी ने हमारे से सौजन्य लेकर वो चित्र छापा था, तो उसको गर्व करने की अपेक्षा हमारे यहाँ के जो पाश्चात्य शिक्षित
दीक्षा ली हुई है, उन्होंने आश्चर्य किया, वो हम भी कर सकते हैं, यानी तब भी विश्वास नहीं, यानी कितनी अपनी संकीर्ण मानसिकता हो। ये केवल मात्र यदि धर्म बचा तो ही ये राष्ट्र बचेगा, क्योंकि इस धर्म के कारण ये गौरवमय इतिहास हमको लगातार स्मरण रहेगा। इसलिए इस धर्म को मिटाने के लिए ही 800 साल तक मुगल धर्मांत ताकतों ने हमारे यहां पर किया। उस धर्म की रक्षा के लिए इसी मेवाड़ की धरती पर चित्तौड़ के अंदर हजारों क्षत्राणियां तिल तिल कर जलकर मरी, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। पन्ना जैसी माओ ने अपने बेटों का बलिदान दिया। यदि उदय सिंह जीवित नहीं होते तो महाराणा प्रताप कहां से आते? यदि महाराणा प्रताप नहीं होते तो इस सत्य सनातन धर्म की रक्षा कैसे होती? जब चंदन का बलिदान हुआ तो चंदन छोटा नहीं था कि उसको उठाया और लेटा दिया। इतिहास कहता है चंदन भी उस समय 10 वर्ष से अधिक की आयु का था। 10 वर्ष का बच्चा बहुत अच्छी तरीके से जानता है मेरे को क्यों लिटा रही है। इसलिए पन्ना धाय का तो बलिदान है ही, निश्चित है, लेकिन चंदन का बलिदान भी बहुत बड़ा है। वो सब जानता था मेरे को मरना है। गुरु गोविंद सिंह के पुत्र छोटे छोटे बच्चे जोरावर और फतेह सिंह, उनको कहा इस्लाम स्वीकार करो नहीं तो मरो, मरना स्वीकार किया। जब दीवार के अंदर चुन रहे थे तब बड़े भाई के आंसू आने लगे, छोटे ने पूछा धर्म पर सर्वस्व न्योछावर करने का पराकाष्ठा है ये उदाहरण। छोटे ने बड़े को पूछा क्यों भैया मौत का डर लगने लगा है क्या? तो बड़े ने छोटे को कहा नहीं छोटे मौत का डर नहीं लग रहा है, अपने दुर्भाग्य पर रो रहा हूं। मैं तेरे से पहले इस धरती पर आया, मेरा जन्म तेरे से पहले हुआ, मैं तेरे से बड़ा हूं, लेकिन आज ये दीवार चुनते चुनते ऊपर आएगी और अपना बलिदान होगा तो सबसे पहला तेरा बलिदान हो रहा, मैं अपने दुर्भाग्य पर रोता हूं। जब धर्म पर शहीद होना होगा तो तू पहले होगा, मैं बाद में आऊंगा। ऐसे वीर बलिदानी पुत्रों की धरती है ये। जो धर्म आज हमें मिला है ये सस्ता नहीं है, इसके लिए हमारे बलिदानी पूर्वजों ने सब प्रकार का बलिदान दिया है। खून मांगा तो खून दिया है, समय की आहुति मांगी तो समय की आहुति दी है, तब जाकर ये धर्म बचा। लेकिन ये सारा वर्णन केवल मात्र मैं आपको और अधिक उत्साहित करने के लिए नहीं, ये उस ओर ध्यान लगाने के लिए आपका ध्यान उस तरफ आकृष्ट हो कि आज वास्तविकता कैसी स्थिति बनी हुई है। जो भारत, जो सत्य सनातन धर्म गांधार से लेकर इंडोनेशिया तक फैला था, 700 करोड़ हिंदू थे, आज वो घटते 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 100 करोड़ हो गए। आप ताली बजा रहे, गजब है, कोई खिलौने वहां? अरे ताली की इसको समझो, मैं जो खेला 700 करोड़ हिंदू 100 करोड़ हो गए। 700 करोड़ ज्यादा है कि 100 करोड़ ज्यादा? तो 100 करोड़ हो गए। जो गांधार था, जहां की गांधारी थी, वो अफगानिस्तान हो गया, जहां की हिंगलाज माता का आशीर्वाद, जहां तक इसी मेवाड़ के राजवंश की संस्थापना करने वाले बप्पा रावल ने अपना केसरिया ध्वज अफगानिस्तान तक फैलाया, वो अफगानिस्तान हमारे पास नहीं। हिंगलाज देवी का मंदिर हमारे पास नहीं है, आज वो पाकिस्तान कहलाता है, और वही पाकिस्तान कसाब जैसे सपोले हमारे यहां भेजता है। जहां ढाकेश्वरी देवी का मंदिर ढाका के अंदर, वो आज बांग्लादेश हो गया। हिंदू घटता 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 इतना सीमित हो गया है कि उसको केवल और केवल अपने परिवार की चिंता होने लगी, देश धर्म समाज की कोई चिंता नहीं। हमारे पड़ोस में क्या हो रहा उसकी चिंता नहीं है, ज्यादा दूर की चिंता में आपको सताना नहीं चाहता, ज्यादा दूर की चिंता आपके यही इसी मेवाड़ अंचल में धीरे धीरे हमारे साथ रहने वाले हमारे भाई बंधु किस प्रकार ईसाई षड्यंत्रों में होते होते विदर्भी होते जा रहे हैं। यह स्थिति ऐसी ही रही तो वो सिमटना ना पड़ जाए, क्योंकि जो धर्म से गया वो राष्ट्र से भी जाता है। कश्मीर में क्या बदला जी? आदमी तो वही है,
कश्मीर में क्या बदला? कुछ भी तो नहीं बदला, केवल मात्र बदला तो धर्म बदला। वहां के जो गुज्जर थे वो देव नारायण भगवान की जय बोलते छोड़कर अल्लाह अकबर करने लगे और पुलवामा जैसी घटनाएं घटने लगी। क्या बदला? आज हम राजस्थान के तो अलग राष्ट्र की मांग नहीं कर रहे, कश्मीर क्यों मांग कर रहा है? क्योंकि कश्मीर में हिंदू समाप्त हो गया है। जहां से हिंदू घटता है वो देश से हिस्सा कटता है, ये सत्य है। आज के अपने इस स्वतंत्र भारत में आपको आश्चर्य होगा, हम अपने आप को बहुसंख्यक कहते हैं हिंदू समाज, लेकिन आज के इस स्वतंत्र भारत में, आज के इस स्वतंत्र भारत के नक्शे में भी 8 ऐसे राज्य हैं जहां हिंदू अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक है, 2% से भी कम आबादी है, 2% से भी कम आबादी। कैसी स्थिति आ रही है धीरे धीरे? हम केवल मात्र अपनी जाति के नाम से तो इकट्ठा हो जाएंगे, लेकिन धर्म के नाम पे इकट्ठा होते ही कुछ लोगों के पेट में दर्द होना लग जाता है। तो सांप्रदायिक बात कर रहे हैं जी, ये तो सांप्रदायिक बात कर रहे हैं, लेकिन यदि इतनी ही सोच रहेगी तो हम धीरे 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 केवल मात्र इतिहास की पन्नों पर काले अक्षर शेष रह जाएंगे। मैंने पूर्व में कहा ये बलिदानों का धर्म है, ये धर्म संस्कृति अपने पूर्वजों के लाखों गुना बलिदान देकर बचाई हुई है। ऐसी देविका में अपना सहस्त्रों बलिदान दिए होंगे, हजारों पद्मनियां हराओ, हजारों माएं जब जीवित जली होगी तब जाकर ये धर्म बचा होगा। इसलिए आज इस धर्म सभा के आयोजन पर, और अधिक मैं कहना नहीं चाहता हूं, केवल मात्र इतना संकल्प हम लेकर उठें कि यदि ये धर्म बचेगा तो ही राष्ट्र बचेगा, यदि ये धर्म नहीं बचा तो राष्ट्र नहीं बचेगा। और ये सांप्रदायिकता नहीं है, क्योंकि हिंदू ही कहता है सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। केवल हिंदू कहता है, इसके अतिरिक्त कोई नहीं कहता है। केवल अपने ये नहीं कहा हिंदू बंधु निरामया, ऐसा नहीं। जब कभी भी हम घोष लगाते हैं तो धर्म की जय हो, हिंदू धर्म की जय, ऐसा नहीं कहा। प्राणियों में सद्भावना, ऐसा कहा हमारे पूर्वजों ने। हमारे वेद ग्रंथ कहते हैं सत्य एकम विप्रा बहुधा वदन्ति, हमने ये नहीं कहा अल्लाह अकबर, अल्लाह ही को ही मानना पड़ेगा, ऐसा कोई धर्मशास्त्र हमारा नहीं कहता है। हमारा धर्मशास्त्र कहता है आप जो बोल रहे वो भी सत्य है, मैं बोल रहा हूं वो भी सत्य है। ये हमारा धर्म सिखाता है। यदि हिंदू समाप्त हुआ तो निश्चित मान लिए, मानिए इस धरती पे से मानव धर्म समाप्त हो जाएगा। हिंदू की रक्षा करना, हिंदू धर्म की रक्षा करना, मानव मात्र की रक्षा करना है। इसलिए विवेकानंद जी शिकागो की उस धर्म सभा में कहकर आए, यदि मानव मात्र को बचाना है तो हिंदू धर्म को बचाना ही पड़ेगा, क्योंकि हिंदू ही ऐसा मात्र इस धरती पर जो सबके अस्तित्व की रक्षा की बात करता है, जो चीटी से लगाकर हाथी तक में ईश्वर का दर्शन करता है, सब प्रकार की श्रेष्ठताओं को लिए हुआ हमारा ये सत्य सनातन धर्म है, इसी की रक्षा करनी चाहिए। इसलिए शास्त्र कहता है धर्म एव हतो हन्ति, धर्म रक्षति रक्षित है, मारा हुआ धर्म ही हमें मारता है। इसलिए धर्म की रक्षा करो, क्योंकि धर्म आपकी रक्षा करेगा। आज वही समय आ चुका है जब हमको अपने धर्म की रक्षा करनी होगी। इसलिए मैं जो कह रहा हूं धर्म की रक्षा करनी होगी, इसलिए तलवार के लिए बात नहीं कह रहा हूं, तलवार लेकर निकल जाओ और मार दो, नहीं, ये कभी नहीं कहता। ना तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये विचार कहता है, ना हिंदू धर्म की ये भावना है कि मार दो काट दो, ये कभी भी नहीं है। हमारा तो यहां का है दया धर्म का मूल है, दया ही धर्म का मूल है। लेकिन अपने आप में अपने हिंदुत्व को अपने आप में सजोना पड़ेगा अगली पीढ़ी के लिए। हमको अपने वो सारी पुरातन पद्धति है प्राचीन जो हमारे पूर्वजों ने दी है उनको वापस सहेजना पड़ेगा। सत्संग धीरे धीरे गांव में से लोप होता जा रहा है, टीवी और अत्याधुनिक मनोरंजन के साधनों के कारण सत्संग धीरे से धीरे निकलती जा रही है। सत्संग की स्थापना वापस हमको करनी पड़ेगी, धर्म की रक्षा करनी है।